Good afternoon, everyone. Welcome to One Mile at a Time. First of all, wishing you all a very happy new year. तो नया साल, साल का पहला दिन और साल का पहला व्लॉग. तो मैंने सोचा कि इस बार इस साल का नया व्लॉग जो है वो मैं अपनी फेवरेट जगह से शुरू करना चाहूँगा. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे पहुँच चुका हूँ ढिकाला के अंदर और मैं इस ढिकाला के आइकॉनिक टेक पे खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप सभी को. सो नया साल देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आता है इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग. हम लोगों ने अभी ही चेक इन किया है यहाँ पे आज ही सुबह ढिकाला कैंपस के जस्ट आउटसाइड, मतलब कैंपस के गेट से 10-20 मीटर की दूरी पे ही एक सब अडल्ट मेल ने एक किल किया था और कैंपस के अंदर जितने लोग थे उन सब ने उस चीज़ को विटनेस की थी, उस किल को विटनेस किया था, टाइगर को देखने को मिल गया था. ये बहुत कम होता है कि आप कैंपस के अंदर हो और आपको एकदम से टाइगर साइटिंग होगी, आपको सफारी पे जाना भी नहीं पड़ा. सो इट वॉज वेरी थ्रिलिंग फॉर ऑल ऑफ देम एंड आई होप दैट मुझे भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए. सो आफ्टर 2 years ऑफ प्लानिंग एंड गेटिंग अ परमिट्स कैंसल्ड ट्वाइस बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कोरोना वायरस, फाइनली आई हैव रीच्ड ढिकाला. वी So this time I'm not here alone. I am joined by my partner in crime. Her name is Srishti, and I would like you all to meet her first. Come say hi to all the viewers out there. Hi. So this time I will not be on the jungle safari alone. She's going to be with me, and let's hope for the best. And she's coming to Ticala for the first time, and she has her fingers crossed. Let's hope for the best. और इस बार हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छी टाइगर साइटिंग दें. मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ. मैं हर बार ही अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आई डू नॉट गारंटी ऑन टाइगर साइट एंड बोथ ऑफ अस विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट इन गिविंग यू द अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ ढिकाला एंड वी हैव अवर फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. जय माता दी. हेलो गाइस, मेरा नाम सरफराज है और आज हम ध्रुव भाई और सृष्टि जी के साथ 2 दिन के लिए ढिकाला सफारी पे जा रहे हैं. ऑब्वियसली तो 2 दिन का हमारा नाइट स्टे है. लेट्स होप कि हमें बहुत कुछ दिखे. बाकी देखिए, नाइट स्टे में पॉसिबिलिटीज़ इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमें सबसे पहली बात 2 दिन तक कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल साइट नहीं, ठीक है. तो जितना हमारा ध्यान है सब जंगल की तरफ रहता है. इस वजह से एक मेंटेलिटी भी बनती है कि हम जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे. और फिर देखते हैं कि क्या क्या दिखता है. होप कि बहुत अच्छे साइटिंग हो, टाइगर्स दिखें. इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी सफारी. तो हम इस टाइम पे धनगढ़ी गेट पे हैं और यहाँ पे हम अपने परमिट्स चेक करा रहे हैं. इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू गेट देयर परमिट्स चेक्ड, अदरवाइज आपको पार्क के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इस टाइम पर ढिकाला के कैंपस के अंदर हैं और ये मेरे पीछे जो है ये है ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस. तो चलिए अब चलते हैं ढिकाला के ऐतिहासिक डेक के ऊपर और आप आगे देख सकते हैं कि लोग अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं. ये डेक जो है ये काफ़ी फेमस है फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए. तो चलिए हम निकल चुके हैं अपने पहले दिन की इवनिंग सफारी पे. देखते हैं क्या देखने को मिलता है. और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी आज की सफारी और कल के लिए हमारे नेचुरलिस्ट मिस्टर सुनील फुलारा.
ये ग्रासलैंड कुछ ज्यादा ही हो गया, पहले तो पूरी रामगंगा बहती थी इधर, उधर को कट गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस टाइम पे सांबर रोड पे खड़े हैं और अभी कुछ ही देर पहले स्पॉटेड डियर की कॉल हुई है और सारी गाड़ियां जो हैं वो रुक चुकी हैं। टाइग्रेस किसी एक गाड़ी ने देखी है, वो सामने वाली बुशेज में है। वी आर होपिंग दैट शी कम्स आउट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे आगे आगे, देयर शी इज। सो वी हैव जस्ट स्पॉटेड अ टाइगर, 2 मिनट की बहुत खूबसूरत साइटिंग हुई है और वी आर करंटली वेटिंग। सांबर रोड का एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड your experience, would you like to say anything, your first tiger in the wild? It was unbelievable, it was so thrilling. ekdam se we spotted it and sab ko ekdam se usko dekh raha tha, but it was really thrilling, I must say. I enjoyed it. aapka first tiger tha, Sunil ne kaha hai ki abhi ungliyon pe ginenge hum, dekhi kar rahi hai abhi. ye bhi humne ek tiger dekhi hai jo ki kafi young hai, तो फाइनली पहले दिन पे हमारे को एक टाइग्रेस दिख गई। अब चलिए अपने कैंपस की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम जो है सफारी का वो खत्म हो गया है और कल सुबह मिलेंगे आपसे मॉर्निंग सफारी पे। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 मॉर्निंग सफारी। लास्ट इवनिंग वी स्पॉटेड अ टाइगर, उसके बाद उसको काफी ट्रैक किया। इट वाज अ फीमेल, अनफॉर्चुनेटली वो हमको नहीं मिल पाई, बट द अदर कार सॉ। तो चलिए, वी आर गेटिंग लेट, इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock राइट नाउ, लेट्स हिट द कार, कम ऑन गाइस, सी यू लेटर। Beautiful view of the Ramganga River. कटा है सांबर रोड, ये कटा है, यहाँ कटा है, ये कटा आगे तक, ये कितना होगा नीचे का। So how are you feeling? Feeling very excited, positive. Let's hope for the best. अभी we just missed the tiger. एक गाड़ी ने पीछे देखा था,
We were actually capturing the elephants and suddenly we heard a call from a spotted deer. We rushed back and when we came, hum pull pe gaye the, jo paar wala bridge hai, jo paro ka area hai. Unfortunately, we were not able to cross the river because the bridge was not complete. Abhi tak. Most probably by tomorrow, the bridge work will be completed, so we can go the other side. And तो जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी ऑलरेडी उसने स्पॉट करा एंड हम लोगों ने मिस कर दिया बट स्टिल वी होपिंग फॉर द बेस्ट. अभी हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं ट्रैकिंग में. मेल है, मेल है, साइज बहुत बड़ा है. पीछे आप थोड़ा गाड़ी के अंदर हो जाएंगे. छुप गया पीछे गाड़ी के अंदर ही हूँ भाई. अंदर को गया कोई बात नहीं. So as we told you that we will not stop tracking the tiger, we just spotted in the tiger. It was right in front of us. A very, very fantastic sighting. And he's right now gone inside the bushes. He's crawling, tiger border. अभी हमने एक बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग जिसे कह सकते हैं. हम ग्रासलैंड एरिया में खड़े हैं सांबा रोड के सांबा रोड में मोस्ट ऑफ. तो अभी हमने ग्रासलैंड वाली फीमेल का एक कब देखा जो कि एक मेल बच्चा है और अप्रोक्सीमेट 1.5 साल का वो बच्चा है. वो पहले लेफ्ट से राइट में गया, फिर बुशेस में मूव किया उसने, देन सडनली फिर रोर किया उसने और अपने और भी भाई को बुलाने के लिए. उसका देन फिर अगेन जो है वो रोड क्रॉस करके. सरफराज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ध्रुव भाई बहुत दूर से आए हैं और इसकी बॉम्बे से हैं तो दिल्ली के और काफ़ी टाइम से आते रहे हैं. तो इस बार मेरे को लगता है इनका ढिकाला जो है सफल हो गया है ना? आपको तो फाइनली जैसे सरफराज भाई ने बोला कि मेरा ढिकाला आना सफल हो गया. खैर मैं तो काफ़ी बार ढिकाला आ चुका हूँ लेकिन हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस अगेन बिकॉज नाउ यू सीन योर सेकेंड टाइगर.
now Dikala is about to become my favorite place. To corporate, you will not go to any other zone except for Dikala. Never. Yeah, na? So yehi hota hai. First time jab koi aata hai. So now this is your second tiger. So yesterday you saw a female, a fully grown female, and today, just like about 10 minutes back, you saw a sub-adult male tiger. Yeah. Nice. So now you have two tigers. और जैसे कि हमारे सुनील भाई ने बोला है कि उंगलियों पे वो गिनवाएंगे कि कितने टाइगर्स हमारे को स्पॉट हो जाएंगे। चलो लेट्स गो। डे टू इवनिंग सफारी टाइगर साइटिंग नंबर 3। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कैमरा जो है वो ठीक से टाइगर के ऊपर फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि टाइगर जो है वो एकदम से निकल के आया। बहुत ही छोटी साइटिंग थी ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी गाड़ियां जो हैं वो रुक गई हैं। अभी अभी चार गाड़ियों ने एक टाइगर को एक हंटिंग पोजीशन के अंदर देखा है। आप देख सकते हैं कि हमारे आगे एक सांबर डियर है। सांबर ने अभी कॉल करी है, और सांबर की कॉल जो होती है वो 100% ऑथेंटिक मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइगर साइटिंग। आपको सही नहीं हार लें।
अभी अभी एक पांचवा टाइगर स्पॉट किया है जो कि रिवर के पार जो है ग्रासलैंड में था और कंटिन्यू साइड साइड जो है आया और जो है उसके चांस है कि मे बी वो दोबारा से वापस होके इधर रोड पर आए, तो हम सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट लक। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कोशिश तो ये करेंगे कि वो निकले, नहीं तो उसके बाद ग्रासलैंड में एक ट्राई और मारेंगे एक बार के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये डिकाला में बहुत बार आया हूँ एंड 5 टाइगर्स इन अ रो, बिग थिंग, ह्यूज। अभी भी द टाइग्रेस इज इन द बुशेज एंड वी आर वेटिंग। द पूरी गेम अब जो है वो वेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। वी हैव गॉट सम रियली गुड शॉट्स अगेन, हर टाइगर के हमने अच्छे शॉट्स लिए हैं। एक आध जगह पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया था बट स्टिल वी मैनेज टू टेक, वी मैनेज टू कैप्चर द शॉट्स। प्लीज गाइज, और मैं इतना बोलूंगा कि नाइट स्टे बुकिंग करा के ही आएगा, कैंटर में मत आइएगा, क्योंकि कैंटर जो है वो लिंक रोड के ऊपर जाता है, उसका एक स्पेसिफिक रूट होता है और वो ज़्यादा वेट भी नहीं करेगा। अगर टाइगर साइटिंग होती है मैक्सिमम फॉर 10 मिनट्स, यू विल वेट एंड उसके बाद यू विल लीव। सो बेटर है कि अगर आपको जंगल का प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए एंड यू वॉन्ट टू गेट अ प्रॉपर टाइगर साइटिंग, माई एडवाइस टू यू ऑल इज टू बुक योर परमिट्स इन एडवांस। एंड ऑल्सो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी सफारी जिसने बुक करी है उस उनका नाम है मिस्टर नूर मोहम्मद और उनकी कंपनी का नाम नेचर ट्रेल सफारी। और हमारे साथ में इस टाइम पे सुनील भाई हैं जो हमारे नेचुरलिस्ट हैं, जो गाइड हैं, और साथ में हैं सरफराज भाई जिनको प्यार से गुलफाम भी बोलते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मेरे सामने इस टाइम पे एक टाइगर चल रहा है। इसे मैंने ढिकाला कैंपस से ही कैप्चर किया था। ये काफ़ी दूर पे है और मेरा लेंस का जितना मैक्सिमम जूम हो सकता है वो मैंने किया है। एक्चुअली में ये हमारा थर्ड टाइगर था लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको व्लॉग के एंड में डालता हूँ बिकॉज ये उतना क्लियर कैमरे पर नहीं आ पाया, बट स्टिल वट एवर वी हैव कैप्चर्ड वी वॉन्टेड टू शो यू। हमारी सफारी ख़त्म हो चुकी है एंड अनफॉर्चुनेटली आज की सुबह की सफारी में जो हमारी लास्ट सफारी थी हमको टाइगर नहीं दिखा, बट वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल बिकॉज सुनील भाई की बदौलत और सरफराज भाई की बदौलत हम लोग ऑलरेडी 5 टाइगर्स देख चुके हैं। और सुनील भाई बहुत शुक्रिया, आप चैनल पर आए वन माइल आधे टाइम, हम लोग सब एक बहुत बड़ा थैंक यू आपको मेरी और सृष्टि की तरफ से और साथ में चैनल की तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से, और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए भाई काफ़ी उम्मीद लेके आए हैं तो मैंने कहा था उम्मीदें मत रखना, बस एक्सपेक्टेशन जीरो रखना, दिख जाएगा। वही हुआ, करीब करीब 5 टाइगर हमने स्पॉट किए बिल्कुल, उसमें से एक हमने स्टॉक और हंटिंग करते हुए, मतलब प्रॉपरली हंटिंग नहीं हो पाई, करीब हर साइटिंग लगभग सभी की वीडियो हमारे पास सभी की, एक थोड़ा सा ब्लर है ग्रासलैंड वाले, लेकिन उसमें आपको पता चल रहा है कि टाइगर है। इस वजह से कैमरा ने गलत फोकस क्योंकि वो बहुत छोटी साइटिंग थी, 2 मिनट की होगी और वो अंदर चली, 2 मिनट से भी कम टाइम की थी, तो माफ़ी चाहूँगा उस छोटी सी मिस्टेक के लिए, बट प्लीज़। तो बाकी मेरे ख्याल से मज़ा आया वो भाई को। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो सरफराज भाई, सेम टू यू सर, सेम टू यू, मज़ा आ गया। वी आर ऑल सेट टू लीव ढिकाला, बिल्कुल मन नहीं कर रहे बट व्हाट टू डू, ऑल पैक्ड, जिप्सी डन, ऑल पैक्ड। मुझे अपनी फेवरेट जगह को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, आई डोंट फील लाइक लीविंग ढिकाला, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस अकॉर्डिंग टू मी ऑन प्लानट अर्थ। एंड मैं 92 से यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आई एम एक्चुअली मिसिंग माई मॉम एंड डैड अ लॉट एंड माई सिस्टर ऑल्सो, एंड स्पेशली इफ़ आई डोंट टेक अ नेम एंड आई टेल दैट यू नो इफ आई हैव सीन 5 टाइगर्स दैट टू इन ढिकाला एंड सृष्टि सॉ 5 टाइगर्स इन हर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट टू ढिकाला, जब वो पहली बार आई तो मैं ज़रूर मरने वाला हूँ। एंड बट नो सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम एक्चुअली मिसिंग माई फैमिली एंड आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू, आप में से जो लोग ढिकाला नहीं आए हैं प्लीज़ डू कम टू ढिकाला, यू विल गेट अ वेरी वंडरफुल साइटिंग, इट्स मैंडेटरी। कॉबी टाइगर रिजर्व वैसे बहुत ही खूबसूरत है, आप बिजरानी जा सकते हैं, झिरना जा सकते हैं, ढेला जा सकते हैं और नया जोन जो गर्जिया है वो, हाँ दुर्गा देवी, बट ढिकाला इज समथिंग दैट यू कैनॉट मिस। आप बिजरानी एक मिनट के लिए मिस कर सकते हैं, झिरना मिस कर सकते हैं, ढिकाला यू कैन नॉट, इसलिए प्लीज़ डू योर एडवांस बुकिंग्स एंड डू कम हियर एंड यू विल, आई विश दैट हूएवर कम्स आउट हियर गेट्स टू सी अ टाइगर, यू विल लव इट। टिल दैट टाइम साइनिंग ऑफ, वन माइल एट अ टाइम, बाय गाइज।